तो जनवरी में अगर आ गए तो आप लोग रेडी हो? जनवरी के हिसाब से तो नहीं जी, नहीं हम लोग तो जनवरी के हिसाब से ही लेके चलते हैं। कोचिंग तो मार्च के हिसाब से चला रहे हैं, रिवीजन वगैरह बाकी थोड़ा सा, बट प्रॉब्लम तो होगा जल्दी। अगर उसके बाद 2 महीने का टाइम मिलेगा आपको रिवीजन करने के लिए। हाँ, तैयार है, जो भी अभी सिलेबस चल रहा है जो भी होगा कर लोगे। तो जैसे अभी एनटीए ने अभी तक ये डेट नहीं बताई है कि कब होगा फर्स्ट अपना जो अटेम्प्ट है वो जेई का, जनवरी में होगा कि मार्च में होगा कि अप्रैल में होगा, तो आपका क्या मानना है कि कब होगा ये? ये एक्चुअली नॉर्मल शेड्यूल तो ऐसे रहती है कि एक बोर्ड्स के पहले होती है और एक बोर्ड्स के बाद होती है। लेकिन अभी क्या आपको लग रहा है, अभी जो तैयारी कर रहे हैं ना आप लोग, जनवरी के हिसाब से लेके चल रहे हैं आपका कोर्स या फिर मार्च के हिसाब से लेके चल रहे हैं? जी नहीं, हम लोग तो जनवरी के हिसाब से ही लेके चल रहे हैं। अगर जनवरी में भी अनाउंस हो जाता है तो आप रेडी हो? रेडी हो, क्योंकि कोचिंग ने भी उस हिसाब से अपना कोर्स कंप्लीट करा है। कोचिंग ने तो कंप्लीट करा दिया, लगभग 1-2 महीने की हम लोग को सेल्फ स्टडी मिल जाएगी। ठीक है, और जनवरी में हो गई तो सबसे अच्छी बात है, और नहीं हुई तो मतलब अगर मार्च में भी होती है तो हमारे लिए फायदेमंद है। हाँ, अभी तो हमारी तैयारी है, मतलब अभी जनवरी तक हमारा सिलेबस भी कंप्लीट हो जा रहा है। हो जाएगा, जनवरी से पहले होना चाहिए ना सिलेबस तो कंप्लीट? नहीं, ऐसा जरूरी थोड़े है, जेई मेंस का एग्जाम जनवरी में, मतलब नवंबर में हमारा 12th का कंप्लीट हो जाएगा सिलेबस। ठीक है, उसके बाद 2 महीने का टाइम मिलेगा आपको रिवीजन करने के लिए। मिल जाएगा आपको 2 महीने का टाइम प्रॉपर, तो आप तैयार हो अगर जनवरी में हो जाए तो? हाँ, उसके लिए दिक्कत। जनवरी की आ गई एकदम से तैयार हो? हाँ, तैयार है, जो भी सिलेबस चल रहा है जो भी होगा कर लोगे, जनवरी आए चाहे मार्च आए अपन रेडी है। हाँ, तो सिलेबस वगैरह उस हिसाब से कवर है? नहीं, अभी सिलेबस चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, अभी चल रहा है, हो जाएगा, मतलब टाइम हो जाएगा, टाइम से हो जाएगा। डेट अभी तक नहीं आई, अगर एकदम से जनवरी अनाउंस कर दिया तो तैयारी है आपकी पूरी उसके हिसाब से? नहीं, जनवरी के हिसाब से तो नहीं, जनवरी के हिसाब से नहीं है। तो कोचिंग तो सोच के चल रही होगी ना कि अगर जनवरी आ गया तो जनवरी के हिसाब से बच्चों को तैयारी करवाए? कोचिंग तो मार्च के हिसाब से चला रहे हैं। अच्छा, मार्च के हिसाब से चला रहे हैं ये लोग, ये मान के चल रहे हैं कि मार्च में ही आएगा। चलो पूछने हैं, एनटीए का अभी तक आया नहीं है, तो जनवरी में अगर आ गए तो आप लोग रेडी हो, सिलेबस कवर है आपका? हम लोग 11th में हैं। एक्चुअली रिवीजन वगैरह बाकी थोड़ा सा, बट प्रॉब्लम तो होगा जल्दी अगर होगा। लेकिन जैसे आप भी एलन की हो? हाँ, एलन, आप भी एलन की हो? हाँ। तो कोचिंग जो है उस हिसाब से तैयारी लेके चल रही है जनवरी में आप एग्जाम दे दो? बहुत सारे फेज के सिलेबस खत्म हो चुके हैं और कुछ के होने वाले हैं, जिसके हो चुके उन लोग रिवीजन के लिए उन लोग टेस्ट प्लान उन लोग स्कोर चालू कर दिए हैं। तो अगर जनवरी में भी हो गया तो फिर उन लोग रिवीजन करा रहे सारे बच्चे, तो आप मतलब कंफर्टेबल हो जनवरी के हिसाब से? बट ऐसा है कि कुछ फेज है जो लेट स्टार्ट हुए तो वो एंड भी लेट हो गए। अब जैसे मेरा फेज है वो दिसंबर में एंड होने वाला है, तो उसके हिसाब से हमें टाइम कम मिलेगा। अगर जनवरी में अगर एग्जाम होती है तो हमें टाइम कम मिलेगा रिवीजन के लिए, और अगर मार्च तक जाती है तो फिर इनफ टाइम हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा।